नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। हमारे संवाददाता विवेकानंद चौबे की रिपोर्ट। मेराल थाना क्षेत्र के भीखम खाड़ गांव में चयनित एकत्र प्रधानमंत्री आवास लाभुकों द्वारा निर्माण नहीं किए जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। विदित हो कि वर्ष 1999 से उदासित उग्रवाद प्रभावित ये सभी लाभुक हैं। अंचल की ओर से सभी 72 लाभुकों को 3-3 डिसमिल जमीन अंचल प्रशासन मेराल के द्वारा बंदोबस्त कर जमीन आवास बनाने के लिए भूमिहीनों को उपलब्ध कराया गया था। वहां पर रहने वाले 71 भूमिहीन लाभुक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए सरकार के द्वारा प्रति लाभुक 40,000 रुपये उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन अभी तक उक्त लोगों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास निर्माण नहीं किए जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवेश कुमार शाह ने अंचलाधिकारी अंगारनाथ स्वर्णकार के साथ मौके पर पहुंचकर वस्तुगत स्थिति का मुआयना किया, जहां पदाधिकारियों ने मौके स्थल पर पाया कि बंदोबस्त किए गए जमीन से हटकर वे लोग वर्षों से वन विभाग की जमीन में अपने खर्च से कच्चे पक्के मकान बनाकर रह रहे हैं। मुआयना के दौरान पदाधिकारियों ने पाया कि संबंधित लाभुक बंदोबस्त किए गए भूमि पर प्रधानमंत्री आवास निर्माण नहीं कराना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी ने सभी लोगों को यथाशीघ्र प्रधानमंत्री आवास निर्माण कराने का निर्देश दिया है, अन्यथा निर्माण नहीं कराने पर सभी लाभुकों से आवास निर्माण के लिए दिए गए राशि वापस करा ली जाएगी। इस अवसर पर वीडियो एवं अंचलाधिकारी के अलावा पंचायत सेवक सतीश कुमार सिंह सहित वहां के काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। हाँ, 2020-21 के लिए भीमखाड़ में कुल 71 आवास का आवंटित किया गया है। वहाँ पर वे सभी के सभी लोग शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और सभी लोग जो हैं एक विस्थापित लोग हैं। हाँ, उन लोग अभी फॉरेस्ट के ज़मीन पर लगभग 25-30 साल से रह करके अपना ज़मीन को आबाद करके वहाँ पर रह रहे हैं, मिट्टी का पुराना कच्चा झोपड़ी घर बना करके। किंतु सरकार के द्वारा उनको प्रधानमंत्री आवास आवंटित हुआ है, इस हेतु जबकि वो भूमिहीन है उसके लिए सरकारी ज़मीन 3-3 डिसमिल बंदोबस्त किया गया है। इसी संदर्भ में आज मैं भीमखाड़ गया था कि लोगों को जहां पर ज़मीन आवंटित हुआ है वहां पर उनको आवास बनाने हेतु प्रेरित करें और वो वहां जा करके आवास बनाएं। सभी के खाते में 40,000 रुपये भेजा जा चुका है आवास। हाँ, किंतु वे लोग आवास वहाँ बनाने के इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं। इसका कारण है कि फॉरेस्ट की ज़मीन में वे लोग काफ़ी बड़ा बड़ा एरिया कब्जा करके रखे हुए हैं, उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं। उनको कहना है कि भाई 3 डिसमिल ज़मीन में हम कैसे रहें। तो यह हालांकि उन लोगों को मैंने बहुत समझा करके उन लोगों को नए ज़मीन जहाँ आवंटित ज़मीन है वहाँ पर आवास बनाने के लिए प्रेरित किया, किंतु उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस आस में बैठे हुए हैं कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत हम लोगों को जमीन मिलेगा और इस संदर्भ में फॉरेस्ट विभाग में केस भी चल रहा है। उन लोग जाने के लिए राजी हुआ सर? जाने के लिए पूरी तरह से राजी नहीं हुए हैं। राजी किया जा रहा है। हाँ, राजी किया जा रहा है।